छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन मध्यकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है, आपके पास बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचालक, सीजीपीएससी प्री, शिक्षक भर्ती आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आपको आंसर बताने का प्रयास करूँगा। तो बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया है? तो सोमेश्वर देव। देखिए, जो बस्तर के जो छिंदक नागवंशी नरेश है वो कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने किसे पराजित किया है? सोमेश्वर देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ ना, आप लोग एक बार रिविजन करते चलेंगे, दिमाग में रखते चलेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? तो रायपुर के जो गांधी चौक है उसमें झंडा 1947 में आपका, ठीक है, जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा पंडित वामन राव लाखे ने फहराया था और छत्तीसगढ़ में अंचल में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे 1920 में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो कि हड़ताल हुआ था जी 1920 में, इसका ठाकुर प्यारेलाल से, है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीजीपीएससी 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, आपके पास बहुत ही कम समय, क्योंकि 5 फरवरी आज है तो कितने दिन बचे हुए, 11 और 5 में कितने दिन के, 6 दिन, है ना, तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, तो एक बार रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हड़ताल हुआ था उसको याद रखेंगे, 37 दिनों तक चली थी जो मजदूर हड़ताल है, कितने दिनों तक, 37 दिनों तक, और इतिहास में देश का सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार रिवीजन करते चलेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो सहकारिता यानी कि पंडित सुंदर जो सूत्रधार हैं वामन लाल राखे, 30 वर्ष रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी, तो याद रखना 1913 में आपका, ठीक है, 1913 में छत्तीसगढ़ के जो सहकारिता हैं सुंदर जो सूत्रधार हैं वामन राव लाखे, 1913 में हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि कलचुरी और मराठा के प्राचीन राजधानी गौरव किसे प्राप्त है, तो ये रतनपुर, क्योंकि जो कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी है उसका गौरव रतनपुर को, जो कि कलचुरी की आरंभिक राजधानी है, कलचुरी की क्या है, आरंभिक राजधानी है। ठीक है, और कल के टॉपिक में हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से, है ना, तो स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश अधीक्षक वगैरह से क्वेश्चन कल के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इसके बाद कलचुरी वंश से संबंधित प्रश्न करेंगे, कलचुरी वंश से, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट 5 से 6 नंबर वहीं से एग्ज़ाम उठा रहा है। ठीक है, तो कल के क्लासेस में कलचुरी से संबंधित करेंगे, जो आपके जाजल्यदेव प्रथम, जितने भी रत्नदेव प्रथम, रतनपुर, जाजलपुर, ये सब है ना, रत्नदेव, द्वितीयदेव, ये सब कोकलदेव जितने भी है वहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम करेंगे उसको, आप लोग बने रहिएगा लगातार। छठवा प्रश्न है कि पराक्रमी वीर कंचना ध्रुवा है, कंचना ध्रुवा किस जमींदारी के हैं? तो बिंद्रा नाम अगर आप सभी सुना होगा डी। ठीक, चलिए, किस काकती नरेश के समय बस्तर राज्य जो है ना, ऐसा कौन सा काकती नरेश है जो बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करत राज्य बन गया, जहाँ अभी करत सुनोगे, करत वाला, डायरेक्ट अब दरियादेव लगाना। ठीक है, जहाँ कुछ भी मत पढ़ना, ये करत राज्य अगर कहीं भी पढ़ लिया डायरेक्ट अब क्या लगाओगे, दरियादेव, करत दरिया, याद रखें। ठीक, दरियादेव काकती नरेश के समय, देखिए यहाँ पर जो बस्तर के राज्य हैं 1780 में भोसलों के अधीन करत राज्य बन गया था, ठीक, याद रखना, दरियादेव, जहाँ अभी करत पूछोगे, दरियादेव। प्रसिद्ध राजकुमारी, ठीक है, जो प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? तो ये काकती नरेश से हुआ था जी, किससे, काकती नरेश, है ना, तो ये आपका आ जाएगा अन्नमदेव, काकती नरेश जो कौन है, अन्नमदेव, याद रखना, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह जी, तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्याम लाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपको 1905 में, और छत्तीसगढ़ में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था जंगल सत्याग्रह, तो आप कहेंगे 1920 में कंडेल सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह, जिसमें कौन कौन थे जी, तो कंडेल सत्याग्रह में आपका छोटेलाल सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। इसके बाद कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था,
तो जंगल सत्याग्रह इसमें जो हुआ था जी 1922 में, उसके बाद 1930 में, फिर 1930 में, ठीक है, जिसमें बालिका दयावती ने थप्पड़ मारा था, ठीक है। तो 1922 कौन सा जंगल सत्याग्रह है, तो आप कहेंगे 1922 आपका आ जाएगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो नहर सत्याग्रह हुआ था जी, ये आपको 1922 में हुआ था, ठीक है, नथुजी जगताप वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट है पूरा, अगर जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, अगर टाइम मिल जाता है तो हम शाम को बेच में लेकर आएंगे जंगल सत्याग्रह से, मतलब सत्याग्रह से क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वहाँ पर वो गांधी जी, नथुजी जगताप, छोटे लाल श्रीवास्तव, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, तो एक बार उसकी क्लास हम लेकर आएंगे, तो शाम को उसकी क्लास देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास रहेगा 2 से 3 बजे के आसपास ये क्लास आपको मिलेगा, और शाम 7:30 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड है, जितना भी मैं आपको क्लास करा हूँ पूरा रिकॉर्डेड है, आप जाके एक बार रिविजन कर सकते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का क्या नाम था निपति भूषण, याद रखना कौन है निपति भूषण, कैसे याद रखोगे, तो बस्तर की जो छिंदक नागवंश है, जो प्रथम राजा है छिंदक नागवंश, नाग से क्या हो गया निपति, है ना, तो भूषण ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। और जी उसकी राजधानी क्या थी, तो भोगवतीपुरी, ठीक। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था, तो आप सभी को मालूम है 20 जनवरी 1825 याद रखना, परलकोट वाला जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ से कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले 1857 वाला आप याद रखना, वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह आप देख लीजिएगा, उसके बाद परलकोट विद्रोह, इसके बाद जो हनुमान सिंह वाला आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है, इसी प्रकार हनुमान सिंह से देख लेना, वीर नारायण सिंह और गेंद सिंह, ठीक है, जो गेंद सिंह हैं, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह हैं, और एक और टॉपिक है ब्रिटिश अधीक्षक में कैप्टन एडमंड और ये सी मार्टेन्यू एगन्यू वाला, ये एक टॉपिक देख के चले जाइएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, तो 20 जनवरी 1825 को परलकोट का जो विद्रोह हुआ था, तब उस समय छत्तीसगढ़ के वीर नायक ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिए थे शहीद गेंद सिंह को, गेंदा सिंह नहीं है वो, गेंद सिंह है, ठीक है, तो शहीद गेंद सिंह को, है ना, ये आपका 20 जनवरी 1825 को, जबकि आपका आ जाएगा जो वीर नारायण सिंह है वो आपका 1857 वाला है, 56-57, और इसको एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। मड़वा महल आप सभी को जानते हैं, मड़वा महल वाला फणी नागवंश से संबंधित होता है, जो भोरमदेव फणी नागवंश, क्योंकि जो भोरमदेव आपको कहाँ से कवर्धा यानी कि कबीरधाम जिला से बिलोंग करता है, तो वहाँ शक्कर कारखाना है जी भोरमदेव में, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं, दुल्हा देवी कहा जाता है, देखिए यहाँ पर मड़वा महल है, भोरमदेव फणी नागवंश की कला के नमूने हैं, मड़वा महल को दुल्हा देवी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1910 अगर कभी भी एग्जाम में याद रखना, 1910 ये कौन सा विद्रोह है, तो भूमकाल विद्रोह, याद रखना भूमकाल विद्रोह, और इसके जो सूत्रधार हैं, है ना, तो ये भी टॉपिक याद रखना, जितने भी सूत्रधार हुए हैं महान क्रांति के, उसको एक बार ऐसे याद करके चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। वर्ष 1910 की जो महान क्रांति है उसके भूमकाल में जो सूत्रों है सूत्रधार है उनके जो कौन है जी, तो आप याद रखना एक कालेंद्र सिंह है, ठीक है, कालेंद्र सिंह। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होगा, ठीक है, रिवीजन करते चलेंगे। तो मैं आपको बताया सिंह कालेंद्र सिंह, जो कालेंद्र सिंह है भूमकाल सूत्रधार हैं कालेंद्र सिंह, है ना, 1910 याद रखना अभी जो हम किए हैं, ठीक है, जो कालेंद्र सिंह है भूमकाल के सूत्रधार हैं, ये बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक, याद रखना। चलिए इसका क्या आएगा, चलिए बताइएगा इसका, देखिएगा मराठों द्वारा 1790 पूछा गया जी, 1790 में शासन की जो सुविधा है उसके संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया है, तो प्रमुख जो अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कम विजदार कहते हैं, याद रखना, इसको 2-3 बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो मराठा होता है 1790 ईस्वी में, है ना, तो शासन की जो सुविधा होती है संपर्क क्षेत्र में डायरेक्ट जो क्या पूछा गया परगनों में विभाजित किया गया है, और पनकरे का जो अधिकारी होता है जी उसको कम विजदार कहते हैं, ठीक। देखिए अब हनुमान सिंह मैंने आपको बताया था, वो भी डॉक्टर हनुमान सिंह सॉरी ठाकुर हनुमान सिंह अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था, तो याद रखना 18 जनवरी 1858 में, ठीक है, ये आप टॉपिक याद रखना, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक तो है वीर नारायण सिंह जो प्रथम विद्रोह मतलब प्रथम सिपाही विद्रोह है जो प्रथम शहीद हैं, ठीक है, उसके बाद आपका
गेंद सिंह वाला और हनुमान सिंह है उसी पर वीर नारायण सिंह, ये टॉपिक एक बार कवर करके जाइएगा एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हनुमान सिंह वाला, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 18 जनवरी 1858, याद रखना। कैसे याद रखोगे यहाँ 18 शुरू में, ये 58 कैसे याद रखोगे? तो जो ठाकुर हनुमान सिंह 17 भारतीय सिपाहियों के साथ विद्रोह किया गया था 18 जे, यानी कि फर्स्ट 18 18 58, ऐसा याद रख सकते हो जी, 18 18 58, ठीक। तो देखेंगे एक बार, नोट कर लेंगे। तो मेजर सिडवेल की हत्या किसने की थी? तो मेजर सिडवेल की हत्या भी ये हनुमान सिंह ने किया था भारतीय 17 सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858, ठीक। और प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी किस तहसील में थी? तो ये आप सभी को मालूम है, बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार में याद रखना सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और छिपन करही आपने सुना होगा, छिपन करही वहाँ पर भी चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि सीमेंट, सीमेंट का काम सबसे अधिक यहीं पर होता है बलौदा बाजार पलारी में, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो बलौदा बाजार जो है आपका प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी से, और पलारी में एक और याद रखना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को एक बार याद करके जाना, ठीक। दक्षिण कौशल के जो कलचूरी के समकालीन बस्तर राजवंश का था वो आपका छिंदक नागवंश था, ठीक है, छिंदक नागवंश। आज छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह, अभी हमने देखा भूमकाल विद्रोह 1910, कालेंद्र सिंह, कौन है? कालेंद्र सिंह जी है, ठीक है, इसको याद रखना। अगर और भी टॉपिक देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर या छत्तीसगढ़ के जीके का क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाला गया, जाके आप देख सकते हैं। या फिर ऐसा करना, अगर प्लेलिस्ट पे आप देख चाहें तो आपको जो भी एग्जाम कर रहे हैं यहाँ पर कमेंट ना करें ना, सीजी व्यापम या पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। जो 1910 में हुआ था आपको भूमकाल विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? भूमकाल जो विद्रोह हुआ था 1910 में, इसके जो प्रणेता हैं, जो सूत्रधार हैं आपका कालेंद्र सिंह है ना, कालेंद्र सिंह। इसलिए मैं बार बार इस टॉपिक को लिख कर आपको समझाता हूँ ताकि एग्जाम में एक बार कंफर्म और रिवीजन हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो को रिवीजन जरूर करना। अब पूछा क्या है, किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर? तो चौराहों का शहर एक ही है आपका जगदलपुर, याद रखना। चौराहों का शहर एग्जाम में पूछा जाए तो जगदलपुर है ना, और टंकियों का शहर या तालाबों का शहर तो ये आपका आ जाएगा आरंग, ये आपका रतनपुर में, ठीक है, रतनपुर में, याद रखना। मंदिरों की नगरी अगर पूछा जाए तो मंदिर आपका सिर्फ आरंग में है जी, मंदिर का नगरी आरंग में है ना मंदिर, जबकि क्या पूछा गया यहाँ पर? टंकी, टंकी और तालाब, ऐसा याद रखना। टंकी और तालाब का नगर पूछा जाए तो रतनपुर, रतनपुर है ना, याद रखना। टंकी पूछा गया है, टंकी याद रखना, तालाब, टंकी तालाब किससे नहाते हो जी? टंकी और तालाब से, यानी कि रतनपुर है ना। अगर मंदिर पूछा जाए इस प्रकार का आपको, एक मिनट ना, ये सॉरी, अगर आपको मंदिर पूछा जाए, ठीक है, मंदिर आपका पूछा जाए, ठीक है, या अगर आपको मंदिर पूछा जाता है तो मंदिर आपका सिर्फ कहाँ है जी? आरंग में, मंदिरों की नगरी आरंग में। और अगर सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो आपका अंबिकापुर, सबसे ठंडा कहाँ रहता है जी? अंबिकापुर में। और सबसे गर्म स्थान जांजगीर चांपा, याद रखना, ठीक है, जांजगीर चांपा। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग का, चौराहों का अगर शहर पूछा जाए तो जगदलपुर, और टाउन जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार बनाया गया तो आपका जाएगा रुद्र प्रताप देव, जो कि 1910 है ना, रुद्र प्रताप देव 1910 है जी, याद रखना। और इसके जो सूत्रधार है आप कालेंद्र सिंह, अभी आपको बताया, ठीक। चलिए, बिलासपुर के सोमवंशी शासक, याद रखना, जो सोमवंशी शासक किसको पराजित किया था? नल को, किसको? नल को, जो सोम है वो नल को पराजित कर दिया, याद रखना, नलवंश, ठीक। विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला, जो गुफा होती है आप सभी को मालूम है, गुफा से भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, अभी 2023 के हाल ही में एग्जाम में पूछा गया, कौन से गुफा? रायगढ़ जिले की गुफा से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला आप सभी को मालूम है, सीता गुफा, सीता बेगरा, लक्ष्मण बेगरा, आप सभी पढ़े होंगे है ना। तो नाट्यशाला प्राचीनतम नाट्य सरगुजा की जिला किस गुफा से प्राप्त है? तो आप अगर लक्ष्मण बेगरा दिया रहेगा या फिर सीता गुफा दिया रहेगा, सीता बेगरा या लक्ष्मण बेगरा, डायरेक्ट आप उसी को डायरेक्ट एग्जाम में टिक लगा आएंगे, ठीक है। क्या पूछा गया है? यह विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला, वो भी सरगुजा जिले का, तो यहाँ पर सीता गुफा दिया है, अगर ये नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट यहाँ पर लक्ष्मण बेगरा या लक्ष्मण गुफा दिया रहता, ठीक है। जोगी महाराज की गुफा कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, रानी गुफा और जोगी महाराज गुफा भी एग्जाम में कुछ कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आपको डिटेल के साथ समझाया है। विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का जो अवशेष है सरगुजा जिले की सीता गुफा से प्राप्त हुआ है जी। और ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण और सीता जी यहाँ रुके थे, ठीक है, जिससे इस गुफा का नाम सीता बेगरा पड़ा, ठीक। और छत्तीसगढ़ में भोसले शासक का जो कार्यकाल आपको बताया था मैंने 1758 से 87 वाला है ना, छत्तीसगढ़ जो भोसले शासक है जी, कैसे याद रखोगे, तो याद रखेगा 1758 से 87, ठीक, इस प्रकार याद रखोगे जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भोसले शासक कार्यकाल पूछा गया तब की बात। अब चलिए देखते हैं कि 1906 में ये क्या पूछा गया, सुंदरलाल शर्मा ने सामित्र मंडल, ये आपके एग्जाम 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो सामित्र मंडल नाम इसके संस्था का क्या उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य एक ही है आपका, समाज सुधारना, जो सुंदरलाल शर्मा है। अंग्रेजों द्वारा क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ गठित प्रथम सेना कमांडर कौन था, तो आपका मार्कसन ही था जी, कैप्टन मार्कसन। रायपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन याद रखना 1922 में, ठीक है, मई 1922 में जो सम्मेलन हुआ था रायपुर का वो आएगा जी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की इस नगर की तुलना कुबेरपुर से की गई है, तो ये आपका रतनपुर, ठीक है, रतनपुर की तुलना कुबेरपुर से की गई है। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या कलचूरी वंश से संबंधित, तब मैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति यानी किस किस जिला में जी, सबसे प्राचीन मूर्ति तो आपका याद रखना सबसे प्राचीन मूर्ति बिलासपुर में है। और रायगढ़ के जो गुफाएं हैं एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे, रायगढ़ के कौन कौन सी गुफा हैं, तो याद रखना, नोट करते चलेंगे, पहला सिंघनपुर की गुफा, दूसरा आपका कबरा पहाड़, तीसरा आपका बेनीपाट, इसके बाद है ओंगना, उसके बाद है पेटीखोल, उसके बाद है, ये तीन चार टॉपिक और हैं ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बसना झर है, लेकिन मटनार, अगर मटनार दिया रहेगा ना उसको नहीं लिखना है, मटनार नहीं है जी, मटनार रायगढ़ में नहीं है, जबकि मटनार कहाँ है, बस्तर में है, ठीक है, मटनार कहाँ है, बस्तर में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्रता शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1910 में, ठीक है। अब देखेंगे चीनी यात्री हेनसोंग, ये किसके शासन का नाम था, पांडु राजवंश के, आपको युआन चुआंग पूछा गया, हेनसांग नहीं पूछा गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर पार्ट टू में देखेंगे फिर 30 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट वन है, पार्ट टू में देखेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम सुरेंद्र सहाय के जमींदार थे, कहाँ के जमींदार थे, तो ये आपका कहाँ के जमींदार थे, संबलपुर, ठीक है, संबलपुर के जमींदार थे। सुरेंद्र जन्म 23 जनवरी को हुआ था, याद रखना, सुरेंद्र 23 जनवरी फर्स्ट, ठीक, संबलपुर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और भी वीडियो देखना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन का, तो कंप्यूटर की क्लास बहुत जल्द प्रारंभ करेंगे फिर, ठीक। आज के लिए इतना ही, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना।